please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक पुलिस वाला रुमाल से चेहरा ढके और हथकड़ी पहने एक फौजी को ले जाता दिखाई दिया। आरोप है कि इस फौजी ने अवैध संबंध के शक से 7 लाख की सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मनोज नाम के इस फौजी को SP दफ्तर में मीडिया के सामने पेश किया गया। आरोप है कि मनोज ने अपने गांव के एक आदमी को पत्नी की हत्या के लिए 10,000 रुपए की पेशगी दी, जिसके बाद दो और साथियों की मदद से उसने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी और इसे खुदकुशी साबित करने के लिए पत्नी का शव पंखे से लटका दिया। हालांकि मनोज के ससुराल वालों ने उस पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 43 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 43 जानी मानी हस्तियों को 2018 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। CBSE पेपर लीक मामले की जांच के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जानकारी दी कि सरकार SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के औरंगाबाद में हुई हिंसा के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और BJP नेता अनिल सिंह का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अनिल सिंह औरंगाबाद में हुई हिंसा पर अपनी सफाई देते नजर आए। अनिल सिंह के साथ इस वीडियो में एक दूसरा आदमी की भी आवाज सुनाई गई। ये वीडियो दो हिस्से में बनाया गया। इससे पहले हिस्से में BJP नेता अनिल सिंह ने खुद को बेकसूर बताया। यही ने अनिल सिंह ने पुलिस पर साजिश के तहत FIR के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। अनिल सिंह ने पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें पुलिस ने अनिल सिंह की गिरफ्तारी का दावा किया था। ये लोग जो चर्चा फैला रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने दंगा किया है, भाजपा नेताओं का जो नाम दे रहे हैं, तो भाजपा का एक भी कार्यकर्ता, बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता, यदि दंगा में इनके वीडियो फुटेज में कहीं दंगा करते हुए मोमबत्ती जलाते हुए भी पाया गया तो हम लोग इच्छा मृत्यु मांग लेंगे भारत सरकार से। पर वीडियो के दूसरे हिस्से में आरोपी BJP नेता अनिल सिंह ने औरंगाबाद हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया। अनिल सिंह ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि औरंगाबाद हिंसा में BJP का कोई रोल नहीं था। ये लोग जो चर्चा फैला रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने दंगा किया है, भाजपा नेताओं का जो नाम दे रहे हैं, तो भाजपा का एक भी कार्यकर्ता, बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता, यदि दंगा में इनके वीडियो फुटेज में कहीं दंगा करते हुए मोमबत्ती जलाते हुए भी पाया गया तो हम लोग इच्छा मृत्यु मांग लेंगे भारत सरकार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़का कंधे पर बैग लटकाए पुलिस थाने की ओर जाता दिखा। संजय कुमार नाम के इस लड़के ने दुल्हन के एक गांव में बारात ले जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि सूबे के CM से मदद की गुहार लगाने के बावजूद उसे दुल्हन के गांव में बारात ले जाने की मंजूरी नहीं मिली। संजय कुमार का दावा है कि उन्होंने सूबे के CM, DGP और ST कमीशन समेत करीब करीब सभी सरकारी दफ्तरों को मदद के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन प्रशासन ने बारात ले जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 15 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी। जिस तरीके से हर बहन बेटी की बारात पूरे गाँव में निकलती है, उसी तरह से जाट समाज की बहन बेटी की बारात को भी पूरे गाँव में निकालना चाहिए। हाथरस की सादाबाद सीट से BSP के विधायक ने प्रशासन से इस मामले में दखल देने की मांग की। मेरा कासगंज जिला प्रशासन से अनुरोध है 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से वहाँ के पुलिस कप्तान इसको देखें और किसी तरह का व्यवधान उनकी बारात में नहीं आना चाहिए। संजय कुमार को उम्मीद है कि 20 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जरूर मदद मिलेगी। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर कुछ लोग रस्सी पकड़कर अस्सी गंगा नदी पार करते दिखे। लोगों को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उत्तरकाशी को गंगोत्री घाटी से जोड़ने वाला इकलौता गंगोरी पुल अचानक से गिर गया, जिसके बाद लोगों को नदी पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा, जिसे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने पकड़ कर रखा था। बताया जा रहा है कि एक ओवरलोडेड डंपर के पुल से गुजरने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब इस पुल के टूटने पर BRO पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 14 दिसंबर 2017 को भी ओवरलोड ट्रकों के गुजरने से ये पुल टूट गया था, जिसके बाद BRO ने मरम्मत करके 10 जनवरी को दोबारा पुल शुरू कराया, लेकिन 3 महीने बाद ही फिर से ये पुल धराशाही हो गया। इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा किसी उससे करके, अपने एक्सपर्ट से बुला के, ब्रिज एक्सपर्ट से बुला के, कि क्या कारण था जिसके कारण इतना जल्दी गिर गया। खास बात यह है कि 18 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इकलौता पुल टूटने से गंगोत्री घाटी अलग थलग पड़ गई है। दिल्ली के एक मकान के अंदर पीले और सफेद रंग की कई टी शर्ट बिखरी हुई दिखी। इन टी शर्ट को BJP के नेता तेजेंद्र बग्गा बनवा कर बेच रहे हैं, जिन पर एक कश्मीरी युवक को जीप के बोनेट पर बांधे हुए दिखाया गया।
टी शर्ट पर कई आपत्तिजनक स्लोगन भी लिखे गए और टी शर्ट के सबसे ऊपर इंडियन आर्मी लिखा गया। आप ये देख सकते हैं इस टी शर्ट को, इस टी शर्ट में इंडियन आर्मी, और सबसे बड़ा जो विवाद है वो इसमें जो तस्वीर छपी है इसको लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि ये टी शर्ट कश्मीर की उस घटना को याद दिला रही है जिसमें सेना की एक जीप के आगे एक आरोपी पत्थरबाज को बांधा गया था। लेकिन टी शर्ट के बाजार में आते ही एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया। इस टी शर्ट पर दुनिया भर में विवाद खड़ा हो गया और पाकिस्तान भी इस पर तिलमिला उठा, जिसके बाद बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा सामने आया और खुद की डिजाइन की गई टी शर्ट को जायज ठहराते हुए विरोध करने वालों पर वार किया। हम परवाह नहीं करते हैं पाकिस्तान की, हम परवाह नहीं करते हैं पाकिस्तान के चेलों की, पाकिस्तान का दर्द और पाकिस्तान के हमदर्द जितना मर्जी चिल्लाए। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल पीडीपी के नेता ने टी शर्ट पर एतराज जताते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। बजाय इसके कि एक मलम के बजाय वो एक आपके खलबली मच गई है। पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी जीप के बोनेट पर लड़के को बांधे हुए दिखाने वाली टी शर्ट पर कड़ा विरोध जताया।